Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the clouds part 1. Then let's start it. Okay, then here, we are going to discuss about the what is a cloud. Cloud kya hai, uske baare mein dekhenge, uska example bhi dekhenge. Aur uska kya kya rule hai, kya hai, uske baare mein detail mein aaj janenge. तो क्लाउज क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के लिए. जो क्लास 6 to 9 स्टूडेंट है, 10 और 12 स्टूडेंट तक, 6 to 12 स्टूडेंट तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और दूसरा, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ए क्लाउज. ओके, ए क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज वन पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. तो ये क्लाउज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो फंक्शन करता है एक पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा क्या है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ में इंक्लूडिंग होकर ये एक फंक्शन करता है. तो इसमें क्या है, इंटरेक्टिव एग्जांपल ऑफ क्लाउज. ओके, इंटरेक्टिव एग्जांपल ऑफ क्लाउज के बारे में थोड़ा देखेंगे. हियर आर सम इंटरेक्टिव एग्जांपल ऑफ टू हेल्प एक्सप्लेन क्लाउजेस. ओके, तो हम लोग का क्या है, इसमें इंटरेक्टिव एग्जांपल के बारे में दिया हुआ है क्लाउज का, जो हमें क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि क्लाउजेस क्या है, उसके बारे में देखेंगे. इंटरेक्टिव क्लाउजेस तो यहाँ पे देखेंगे. सो सीमन योर प्रोजेक्ट व्हेन ही अराइव्ड. ओके, देन दूसरा क्या है, द बॉय हु हैज ऑस्टिन इज द ग्रुप लीडर. देन लेट्स फाइंड ए टेबल दैट गेट द सनलाइट. ही लॉस्ट हिज डबल चेन आफ्टर द गेव ऑफ चॉकलेट. अन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लाउज. तो यहाँ पे ये सब है हम लोग का. तो लुक एट दिस सेंटेंस. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ऑल कार स्टॉप. देन ऑल कार स्टॉप व्हेन दे सी ए रेड फ्लैग. दिस सेंटेंस हैज टू क्लाउजेस. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का टू क्लाउजेस है. कौन सा है इसमें, ऑल कार स्टॉप. ओके, तो ये हम लोग का एक क्लाउज हो गया. द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लाउज इज ऑल कार. ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग का फर्स्ट वाला क्लाउज में ऑल कार, यह हम लोग का सब्जेक्ट है. देन एंड द वर्ब इज स्टॉप. और हम लोग का यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टॉप है. ठीक है, द ऑल कार क्या है, हम लोग का सब्जेक्ट हो गया. देन वर्ब हम लोग का हो गया यहाँ पे, स्टॉप हम लोग का वर्ब हो गया. वी हैव सो दिस क्लाउज इन बोल्ड बिकॉज इट इज द मेन क्लाउज कॉल आन इंडिपेंडेंट क्लाउज. ओके, तो ये हम लोग का क्या है, अगर हम कहें तो ये क्या है, हम लोग का मेन क्लाउज भी है और इंडिपेंडेंट क्लाउज भी है. तो इसी से हम लोग जान पाएंगे ये क्लाउज क्या है. ठीक है, इसके बारे में, व्हेन दे सी ए रेड फ्लैग. तो हम लोग का ये दूसरा और एक सेंटेंस आ जाता है, व्हेन दे सी ए रेड फ्लैग. तो ये क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लाउज इज दे. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दे के बारे में यहाँ बात कर रहा है. देन दूसरा क्या है, इन द वर्ब इज सी. देन हम लोग का वर्ब क्या हो जाता है, यहाँ सी है. ये हो गया दे और ये वर्ब हो गया सी. दे हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हम लोग का सी. वी हैव नॉट सो दिस वन इन बोल्ड बिकॉज इट इज ए इंडिपेंडेंट क्लाउज. तो हम लोग का जो फर्स्ट ला था ऑल कार स्टॉप, वो हम लोग का क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज था. लेकिन ये हम लोग का सेकेंड जो है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है. ओके, ये डिपेंड करता है ये क्लाउज. दिस क्लाउज इज फंक्शन फंक्शनिंग लाइक अन एडवर्ब. और ये क्लाउज कैसे फंक्शन कर रहा है, लाइक एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है. कंपेयर द सेंटेंस टू ऑल कार स्टॉप इमीडिएटली. ओके, ऑल कार स्टॉप इमीडिएटली. दिस प्रूव दैट व्हेन दे सी ए रेड फ्लैग इज फंक्शनिंग एज अन एडवर्ब. ओके, तो जब वो लोग रेड फ्लैग देखे तो वो लोग क्या किए, अपना कार को क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए. हाँ, वहीं पर ही रुक गए वो. तो उसी से हम जान पा रहे कि वो क्या है, कार रुक गया. देन दैट इज ए इंडिपेंडेंट क्लाउज. देन डिपेंडेंट क्लाउज हम लोग का है, क्योंकि वो फ्लैग, रेड फ्लैग को वो देखे इसलिए वो रुके. तो ये हम लोग का डिपेंडेंट क्लाउज हो गया. ओके, देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, ये ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज वन पार्ट ऑफ स्पीच एंड द इंक्लूडेड एज सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके, ये क्या है, एक पार्ट स्पीच रहता है और इसके साथ में सब्जेक्ट और वर्ब भी इंक्लूड रहता है, उसी को हम क्लाउज कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड. ओके, ए क्लाउज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव. ओके, तो फंक्शन कैसे करते हैं एडजेक्टिव में, इसके बारे में हम कल डिटेल में देखेंगे. क्योंकि एक साथ अगर हम देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा देखने से हमें बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा. तो हम लोग कल देखेंगे इसे. तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
कमेंट करके भी बताइए, अगर अच्छा ना लगे तब भी हम कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं अपना वीडियो में और भी इम्प्रूव करा सकूँ और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आ सकूँ। और ये बीच में जो 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं बना पाई, लेकिन अभी से आगे से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग जरूर इसे ये कीजिए, कमेंट करके बताइए और शेयर भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी आप लोग को नया नया वीडियो मिल सके। और शेयर करने से दूसरों तक पहुंच पाएगा, जिसको इसका ज़रूरत है उन तक पहुंच पाएगा। और ऐसे भी देखा जाए तो ग्रामर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट हो या ना हो ग्रामर हमें जानना जरूरी है, ताकि हम इंग्लिश अच्छा से बोल पाए। तो आप लोग जरूरी है शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।